हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोनिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉम का लहंगा कलेक्शन, जो कि एटलीस्ट 20 साल पुराना है। सो हुआ क्या कि मैं अपने नेटिव प्लेस पे गई थी एंड तभी मेरी मॉम के इस खजाने पे नज़र पड़ी है। आई वाज लाइक ये अच्छा है, आई मीन क्यों ना हम इसे ट्राई करके देखते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट वीडियो आइडिया था, बिल्कुल भी प्लान नहीं था। सो मैं काफ़ी कम चीज़ें अपने साथ कैरी करके लेके गई थी, लाइक ज्वेलरी एंड मेकअप में। सो जो भी मेरे पास था उस वक्त मैंने उसी से इन लहंगे को स्टाइल किया है। चलिए देखते हैं इफ़ आई कुड मेक जस्टिस टू दीज लहंगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट लहंगा, दिस इज़ अ वेरी स्टनिंग मून ब्लू कलर। इसके ऊपर ये जो जरदोसी वर्क है वो किया हुआ है, तो ये अपने आई थिंक काफ़ी पुराने लहंगों में देखा होगा, इस तरीके का वर्क तो काफ़ी ज़्यादा चलता था। एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक एट लीज 20 to 25 years old। नाउ इसको मैंने दो तरीके से स्टाइल किया है। बात करते हैं फर्स्ट लुक की। सो फर्स्ट लुक में मैंने अपने बाल जो है वो ओपन रखे हैं, एक शीश पट्टी लगाई है, मैंने कानों में चांद वाली पहनी है। आई डिडंट वांटेड टू ओवर एक्सेसराइज द लुक, इसलिए गला खाली रखा है। हम बस सिंपल से कड़े पहने हैं, एक दो रिंग्स पहनी ही है एंड दैट्स इट। एंड अमेजिंग चीज़ ये है कि मेरी मॉम का जो ब्लाउज है वो मुझे एग्जैक्ट फिट आया, लाइक ना मुझे इसकी सिलाई खोलनी पड़ी ना सिलाई लेनी पड़ी, तो वो भी एक काफ़ी यू नो सही है। लाइक ओके वाओ, माय मॉम यूज़ टू यू नो हैड लाइक एग्जैक्टली सेम मेजर एज आई हैव। सो यहाँ पे मैं मेरी मॉम का फोटोज अटैच कर लूँगी, तो आप ज़रूर बताना दैट इफ़ आई लुक लाइक माई मॉम और नॉट। लुक नंबर टू बिल्कुल भी मेरे लिस्ट में नहीं था। एक्चुअली मैंने लहंगा पहना हुआ था और मैंने बाल बांध लिए हैं, आई वाज लाइक ओके दिस इज़ लुकिंग मच बेटर देन दी लुक वन। सो फिर बाल बांधने के बाद अगेन मैंने शीश पट्टी खोली एंड वही शीश पट्टी मैं एज ए नेकलेस पहन रही हूँ। सो इसके लिए एक छोटा सा हैक है, आप दोनों तरफ जो है सेफ्टी पिन लगा लो, उसके बाद यू नो पीछे से सेफ्टी पिन को लगा लो, सो ये आपका एक मस्त वाला नेकलेस तैयार हो जाएगा। एंड अगेन मैंने सिमिलर इयर रिंग्स एंड एक्चुअली ये शीश पट्टी मांग टीका के साथ आती है, तो दैट्स वाई इट्स वेरी सिमिलर। आई थिंक दिस लुक इज़ लुकिंग मोर नाइस देन द लुक वन, बट अब बताना मुझे कि आपको वन या टू इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट लहंगा जो मैंने ट्राई किया था मम्मी का वो था ये मिंट ग्रीन कलर का लहंगा। ना ये फैब्रिक ना काफ़ी ज़्यादा अलग है और दिस इज़ अ लिटिल वेलवेट काइंड ऑफ फैब्रिक, मतलब काफ़ी लचीला बोलते हैं ना उस तरीका का फैब्रिक। सो आई डोंट नो व्हाट दिस फैब्रिक इज़ कॉल्ड, बट इट्स वेरी नाइस एंड लाइक वेरी शाइनी काइंड ऑफ। मॉम सिर्फ इसका फैब्रिक लेके आई थी एंड उसके बाद उन्होंने खुद ही स्कर्ट वगैरह सिल लिया है एंड शी हैव अटैच दिस सिंपल लेस टू इट। सो वेरी सिंपल एंड एलिगेंट लहंगा ऑफ हर टाइम एंड वेरी एलिगेंट कलर टू बी ऑनेस्ट। मैंने इसको स्टाइल किया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है लुक को। मेरे पास ये ग्रीन कलर की एक माला नेकलेस थी, वो मैंने पहना है, सिर्फ नथ पहना है मैंने, यू नो कान में वगैरह कुछ नहीं पहना है। आई थॉट कि ठीक है इसको सिंपल ही रखते हैं। मैंने यहाँ पे एक पोनी टेल हेयर स्टाइल करने का ट्राई किया था, बट मेरे बालों में ना हेयर स्टाइल जल्दी से होता नहीं है, तो मुझे आता नहीं है, ऊपर से मेरे बालों में कुछ सही से बैठता भी नहीं है, सो इट इज़ लुकिंग वेरी ऑड मे बी। बट या आई थिंक यू नो वॉट काइंड ऑफ लुक आई वॉज ट्राइंग टू अटेन ओवर हियर। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे पहले की ब्लाउजेज में लगती है, वो है ये आगे से पोकी पोकी क्या है, मतलब क्यों हर ब्लाउज में इस तरीके से जानबूझ के पोकी बनाया गया है। इनफैक्ट दिस वॉज स्टिच बाय माई मॉम एंड आई आस्क फॉर द सेम थिंग एंड शी सेड के पहले ना ऐसी टाइप के ब्लाउज पहनते थे, सो या दैट मेक्स इट अ लिटल ऑड टू स्टाइल, बट अदरवाइज एवरीथिंग वॉज। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लुक के तरफ, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सो ये नेक्स्ट जो है वो एक रस्टी ऑरेंजी काइंड ऑफ कलर का लहंगा है। नाउ अगेन इट हैज़ दिस वर्क ऑन इट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक सटल सा वर्क है और ऑल्दो काफ़ी चुभ रहा था जब मैंने इसको पहना। आई थिंक जो अंदर के तार होते हैं ना वो काफ़ी चुभने वाले हैं, बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड प्लीजिंग ऑन आई। इसके ऊपर मैंने ये सिंपल मेरा एक नेकलेस पहना विद सेम ईयर रिंग एंड इसके लिए मैंने अलग से बैंगल्स टैक किए,
सो बैंगल्स में खैर मैचिंग तो मेरे पास कुछ था नहीं, जो मम्मी के पास पड़े थे बैंगल्स उसी को यू नो ऐसे ही स्टैक कर लिए जस्ट फॉर दी फोटोग्राफ्स, एंड आई थिंक फोटोग्राफ्स में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई पर्टिकुलरली लाइक दिस लुक। एंड बढ़ते हैं लास्ट लुक की तरफ। सो लास्ट लुक जो है वो है ये लहंगा, और इस लहंगे की भी अपनी कहानी है। सो ये मेरी मॉम का वेडिंग लहंगा है। नाउ माय मॉम एक्चुअली वांटेड टू गिव इट अ न्यू लुक। सो पहले ऐसे काफ़ी होता था कि जो अपने पुराने लहंगे हैं उसको एक यू नो ट्रांसफॉर्म कर देते थे, पैच लहंगा बना देते थे। तो एक दूसरा कपड़ा लिया जाता था एंड पिछले वाले लहंगे के जो पैचेस में जो है काटा जाता था उसको दे यूज टू स्टिक ऑन द अदर फैब्रिक। सो इस तरीके से आपको एक नया लहंगा मिल जाता था। सो सेम वे यहाँ पे किया हुआ है, मम्मी ने अपना जितना भी ये वेडिंग लहंगे का जो वर्क था वो इसमें करवाया है। ऑल्दो आई थिंक हर वेडिंग लहंगा लुक्स रियली प्रिटी, इट्स अ वेरी प्रिटी पेस्टल पिंक कलर एंड इट्स लुकिंग स्टनिंग ऑन हर, बट इवन दिस लहंगा इज लुकिंग रियली नाइस। सो ब्लू एंड पिंक गोज वेल विद दिस, सो नाइस चॉइस ऑफ कलर आई वुड से। मेरे पास एक्चुअली मॉम का कोई फोटोग्राफ नहीं है लहंगे को पहने हुए, लाइक द नया लहंगा, बिकॉज मेरे को याद ही नहीं है कि ये कहाँ पहना था। एनीवेज इसको स्टाइल करने के लिए ना मैंने ये लॉन्ग नेकलेस पहना है अपना, जिसमें ये ब्लू बीड्स है। सो आई थॉट दैट दिस विल गो वेल विद दी लहंगा। सेम इयररिंग्स पहने हैं एंड अगेन थोड़े से बैंगल्स टैक किए हैं एंड लुक को काफ़ी सिंपल रखा है, वही ओपन हेयर मेरा। एंड आई थिंक दिस वन इज़ लुकिंग रियली नाइस एंड इन सब लहंगों में से आई थिंक अभी भी जो पहना जा सकता है वो ये लहंगा, सब लहंगे में से ये सबसे ज़्यादा न्यू एंड लेटेस्ट वाला लग रहा है। तो मुझे ज़रूर बताना कि अगर मैंने मेरी मॉम के लहंगों के साथ जस्टिस किया या नहीं, कि यू नो और भी अलग स्टाइल में मैं इसको पहन सकती थी या किसी और के साथ पहन सकती थी। एनीवेज आई वांटेड टू वेयर दिस लहंगा एज इट इज़। आई मीन इन लहंगों को और भी अलग वे में पहना जा सकता है, आई अग्री, एंड मे बी आई विल डू दिस इन अ सेपरेट वीडियो, बट मैं इन लहंगों को एज इट इज़ फील करना चाहती थी। एंड दिस सो नॉस्टैल्जिक, लाइक हम लोग काफ़ी यू नो घंटों तक मॉम के पुराने दिन के बारे में बात करते रहे, व्हाट थॉट्स वर गोइंग ऑन एंड कितने में ये लहंगे पड़े, कितने महंगे पड़े। एनीवेज आई डोंट नो अबाउट यू गाइज हाउ यू फील, बट माई मॉम वॉज वेरी हैप्पी एंड शी सेड दैट आई लुक एग्जैक्टली लाइक हर, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी डॉटर आई फील। आई रियली वॉन्ट टू बी लाइक माई मॉम ऑलवेज, एंड या आई फेल्ट सुपर ग्रेट वेयरिंग ऑल ऑफ देम। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, एंड और भी वीडियो आइडियाज़ हो तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल रियली हेल्प मी टू ग्रो। बाकी के और भी वीडियोस दे सकते हैं, लाइक हॉल वीडियोस, स्टाइलिंग वीडियोस, काफ़ी और वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, तो ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।